ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की इस टॉपिक में मैं एक्सपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। एल साल्वाडोर को आप कैसे भारत से एक्सपोर्ट करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू एल साल्वाडोर फ्रॉम इंडिया। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा एल साल्वाडोर के बारे में, उनका पॉपुलेशन, करेंसी, लैंग्वेज, नेबरिंग कंट्रीज, लोकेशन और इनका एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, और क्या क्या प्रोडक्ट एल साल्वाडोर एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट एल साल्वाडोर इम्पोर्ट करता है, यहाँ का कितने सारे एयरलाइंस यहाँ आपको इस देश को फ्लाई होता है, बहुत सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा एल साल्वाडोर के बारे में, ताकि आप भारत से ईजिली एक्सपोर्ट कर पाओगे टू एल साल्वाडोर। ठीक है, एल साल्वाडोर एक देश है जो सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है। एल साल्वाडोर का जो नेबरिंग कंट्रीज है ग्वाटेमाला एंड होंडुरास, ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होंडुरास एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है ग्वाटेमाला। ठीक है, होंडुरास और ग्वाटेमाला का जो बॉर्डर्स जुड़ा हुआ है एल साल्वाडोर में। कभी अगर एल साल्वाडोर आप जाओगे तो एल साल्वाडोर से बाई रोड में आप ग्वाटेमाला एंड होंडुरास को ट्रैवल कर सकते हो। साउथ पार्ट में है निकारागुआ, लेकिन निकारागुआ का बॉर्डर एल साल्वाडोर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, होंडुरास का है। और ईस्टर्न पार्ट में जो एल साल्वाडोर है उसका वेस्टर्न पार्ट में है पैसिफिक सी है, पैसिफिक ओशन है, और उनके पास काफ़ी पोर्ट्स है वहाँ पर। और एल साल्वाडोर के पास 3 बड़े पोर्ट है और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जो एल साल्वाडोर को मदद करता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में। एल साल्वाडोर एक स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश है। पॉपुलेशन है, जनसंख्या है 65,55,000 का पॉपुलेशन है। और इस देश का जो करेंसी है, इस देश का काफ़ी इकोनॉमी काफ़ी डाउन चल रहा था काफ़ी सालों से, इसीलिए यहाँ का गवर्नमेंट US डॉलर को एडॉप्ट किया 2021 को। इस देश ने जो बिटकॉइन को सितंबर 2021 को लीगल किया इस देश ने, और फर्स्ट उनका करेंसी है US डॉलर। अमेरिकन डॉलर इनका ऑफिशियल करेंसी है और सेकंड है बिटकॉइन है, 2 करेंसी चलता है यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो सी पोर्ट्स है और एयरपोर्ट्स भी है उनके पास। ठीक है, 3 सी पोर्ट्स है, 3 एयरपोर्ट्स है। तो पहले आपको बताऊँगा कितने सारे सी पोर्ट्स है। तो 3 सी पोर्ट्स है, लार्जेस्ट सी पोर्ट है, लार्जेस्ट और डीप वाटर पोर्ट है पोर्ट ऑफ आजाजूटा। ठीक है, आकाजूटा पोर्ट, ये स्पेनिश में लिखा गया है पोर्ट ऑफ आकाजूटा, ये जो है लार्जेस्ट सी पोर्ट इन द सेंट्रल अमेरिका, और डीप वाटर पोर्ट है ये मेन पोर्ट है, और पोर्ट ऑफ ला लिबर्टेड, पोर्ट ऑफ ला यूनियन, ये 3 सी पोर्ट है। हमेशा आपको कैलकुलेट करना है, आपको कोटेशन बनाना है पोर्ट ऑफ आकाजूटा, ये बड़ा पोर्ट है, 3 पोर्ट है। और उनके पास काफ़ी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एल साल्वाडोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनका जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। सो मैंने आपको लिस्ट करके बता दिया एल साल्वाडोर के पास कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, लिस्ट करके बता दिया। तो एल साल्वाडोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनका जो मेन एयरपोर्ट है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, कभी अगर बाई एयर में आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो एल साल्वाडोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोटेशन बना सकते हो। बाकी बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके पास है जो मैं आपको लिस्ट करके बता दिया, और उनका सी पोर्ट भी आपको बता दिया। ठीक है, और एल साल्वाडोर क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे और आपको मैं बता दूंगा, लिस्ट करके बता दूंगा एल साल्वाडोर क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट तो इतना ज़रूरी नहीं है क्या वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंपोर्ट ज़रूरी है। इंपोर्ट में मैं आपको लिस्ट करके बता दूंगा द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एल साल्वाडोर इंपोर्ट करता है, ताकि ये सब प्रोडक्ट आप सोर्स करके, ये सब प्रोडक्ट आप इंडिया से सोर्स करके एल साल्वाडोर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एल साल्वाडोर का ट्रेडिंग पार्टनर्स है अमेरिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास,
मेक्सिको एंड चाइना। चाइना काफ़ी दूर में लोकेटेड है एल साल्वाडोर का, फिर भी चाइना का प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन द साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में। चाइना के बारे में मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। चाइना जो है सेंट्रल अमेरिका, चाइना देखता है जिस देश में कोई पहुँचा नहीं है उस देश में पहला पहुँच जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में 54 अफ्रीकन कंट्रीज़ जो लिस्ट ट्रैवल कंट्री होता है वहाँ पर भी चाइनीज़ लोग को आप दिखाई देंगे। इसीलिए भारतीय एक्सपोर्टर्स को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए। आप कोई भी कंट्री को मत छोड़िए, एवरी कंट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। और आपका साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिस्ट डेवलप लिस्ट ट्रैवल कंट्री है, फिर भी चाइनीज लोग यहाँ पर आकर बिजनेस करते हैं। ठीक है, जैसा आपको बता दिया द लार्जेस्ट एंड टॉप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है एल साल्वाडोर का है, चाइना है, अमेरिका है, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, हंडुरास है जो कंट्रीज है, निकारागुआ भी है। इसलिए भारतीय एक्सपोर्टर्स को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान दीजिएगा और इस देश को आप एक्सपोर्ट करने के लिए प्लान करिएगा। तो मैं आपको फर्स्ट दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एल साल्वाडोर एक्सपोर्ट्स। एल साल्वाडोर एक्सपोर्ट्स करता है टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, रबर, प्लास्टिक्स, मेटालिक प्रोडक्ट्स, शुगर, कॉफ़ी, टॉयलेट पेपर्स, होसेरी एंड फुटवेयर। ये जो उनका मेन प्रोडक्ट है ये एक्सपोर्ट करता है एल साल्वाडोर, और करीब 49-50% एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। और इम्पोर्ट बहुत सारे प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है, उसमें जो मेन प्रोडक्ट है इम्पोर्ट करता है केमिकल्स, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स, फूड प्रोडक्ट्स, रिफाइंड पेट्रोलियम एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स। ये उनका मेन प्रोडक्ट है और बहुत सारे प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है एल साल्वाडोर। मैं लिस्ट करके बता रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। सो आपको मैंने बता दिया लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एल साल्वाडोर इम्पोर्ट्स आपको बता दिया। तो ये प्रोडक्ट को जितने सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी देश का दिखाता हूँ, इम्पोर्ट प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट मैं आपको एक साल का नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको 10 साल का, 10 ईयर्स का दिखाता हूँ, यानी 10 साल से ये देश क्या क्या इम्पोर्ट करता है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस देश क्या क्या इम्पोर्ट करता है, ताकि इस प्रोडक्ट को आप सोर्स करके भारत से, अलग अलग स्टेट से सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एल साल्वाडोर जो इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट को, आपको 10 साल का 2012 से लेकर 2022 तक क्या क्या प्रोडक्ट वो नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं मैं आपको दिखा दिया। ये प्रोडक्ट को आप सोर्स करिए, सोर्स करने के लिए हमारा भारत में, जैसा कि आपको हमेशा बताता हूँ 20 B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। बड़े बड़े पोर्टल्स है, जैसे कि आपको बता दिया कि exportersindia.com है एंड आपका indiamart.com है, बहुत सारे साइट्स है। इस साइट से जाकर आपका प्रोडक्ट को सर्च करिए, सर्च करने के बाद या सोर्स करने के बाद आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सोर्स करके आप एल साल्वाडोर या कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमेशा जो 20 साइट को आपको बताता हूँ, 20 इम्पोर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स एंड येलो पेजेस आपको बताता हूँ हमेशा, इस साइट से, इस वेबसाइट में आपको हमेशा रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड करना है, ऐड करके यहाँ से सोर्स करना है। अगर आपको कपड़ा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना है तो आप इन्हीं साइट को वन बाय वन जाइए और उनका सर्च इंजन में लिखिए, टेक्सटाइल गारमेंट्स जो भी कुछ लिखिए, सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स। हमेशा मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट करिए, कॉन्टैक्ट करने के बाद उनके साथ नेगोशिएट करिए, बातचीत करिए, और क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका प्राइसेस वगैरह आप उनके साथ डिस्कस करिए। और प्राइसेस फिक्स होने के बाद उनके से वहाँ से आप प्रोडक्ट पैकिंग वगैरह करके आप एल साल्वाडोर या कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा मैं आपको हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इंडिया का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल से, उसमें आप रजिस्टर करके आपका कंपनी को रजिस्टर करिए, रजिस्टर करके आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप सर्च करिए आपका प्रोडक्ट क्या है, सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। और क्या क्या
और ये एल साल्वाडोर को जो शिपमेंट काफ़ी लंबा टाइम लगता है, 22 दिन से लेकर एक महीना लगता है, क्योंकि डायरेक्ट शिपमेंट नहीं जाता है। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा भारत इंडिया से, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो फिर आपका शिपमेंट कम पैसा हो जाएगा, लेकिन जितने सारे शिप्स जाती है ये ज़्यादा करके अमेरिका, अमेरिका से ट्रांजिट होता है टू एल साल्वाडोर, ठीक है, अमेरिका या पनामा। नॉर्मली जो शिपिंग शिप्स है जाता है पनामा, पनामा टू साउथ अमेरिका, या पनामा टू अमेरिका, या अमेरिका टू पनामा, देन एल साल्वाडोर शिपिंग कंपनी। इंडिया का एक अच्छा साइट है www.cogoport.com, ये एक अच्छा कार्गो शिपिंग कार्गो साइट है, ये गुजरात का साइट है, तो हमेशा आप www.cogoport.com पर जाइए। दुनिया का कोई भी कंट्री को आप भेजना चाहते हैं आपका शिपमेंट, उसमें सर्च करिए, उसमें आपको बहुत सारे शिपिंग कंपनी का प्राइस दिखाई देगा। यानी जैसे कि आपने makemytrip.com, yatra.com जैसे हमारा भारत का जो टॉप ट्रैवल पोर्टल्स है, उसमें आप एयर टिकट को खरीद सकते हो। जैसे कि आप मुंबई टू दुबई आप एयर टिकट ढूंढते हो, सर्च करते हो makemytrip.com या akbartravels.com या yatra.com में, तो बहुत सारे एयरलाइंस का टिकट प्राइस आपको दिखा देता है। दिखाने के बाद आपका चॉइस के हिसाब से आप किस एयरलाइंस में जाना चाहते हो और आपका बजट के हिसाब से आप खरीदते हो टिकट, एयर टिकट। वैसे ही cogoport.com बता दिया, cogoport.com ऐसा ही है, cogoport.com में आप सर्च करोगे इंडिया टू एल साल्वाडोर, इंडिया टू अमेरिका, इंडिया टू निकारागुआ, इंडिया टू अफ्रीका, इंडिया टू दुबई, एनी कंट्री आप सर्च करोगे शिपमेंट का, तो आपको बहुत सारे शिपिंग कंपनी का कार्गो प्राइस दिखाई देगा। 20 फीट कंटेनर का कार्गो प्राइस क्या है, 40 फीट का क्या है, और आपका जो बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ कंटेनर्स होता है उसका प्राइस दिखाई देगा। आपका बजट के हिसाब से आप शिपिंग कंपनी का कार्गो यानी कंटेनर आप बुक कर सकते हो थ्रू cogoport.com, ठीक है, ये अच्छा साइट है। और एयरलाइंस कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट होता है टू एल साल्वाडोर, मैं आपको लिस्ट करके बताऊंगा। एल साल्वाडोर को डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट इंडिया से नहीं है, ज़्यादा करके यहाँ इंडिया टू अमेरिका या इंडिया टू दुबई, दुबई टू अमेरिका, अमेरिका टू एल साल्वाडोर जाती है। तो जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट होता है थ्रू अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ द एयरलाइंस ऑफ फ्लाइंग टू एल साल्वाडोर, आप देख लीजिए। तो एयरलाइंस फ्लाई टू एल साल्वाडोर, इंटरजेट, अवियांका, वोलारिस, कोस्टारिका, कोस्टारिकन एयरलाइंस है, अमेरिकन एयरलाइंस है, डेल्टा एयरलाइंस है, सो अमेरिकन एयरलाइंस एंड डेल्टा एयरलाइंस है, अमेरिकन एयरलाइंस है, एरो मेक्सिको मेक्सिकन एयरलाइंस है, स्पिरिट एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस है, अमेरिका का है, लाइबेरिया, कोपा एयरलाइंस, एयर ट्रांसजेट, ट्रांसपोर्टिस एरोस, ग्वाटामेलास, ये जो ग्वाटामेला का एयरलाइंस है। तो इतना सारे एयरलाइंस को आप लिस्ट कर लीजिए। सो मैं आपको एयरलाइंस भी बता दिया और शिपिंग कंपनी कैसे आप बुकिंग करोगे उसके ऊपर भी बता दिया। तो आपको इजीली आप भारत से एल साल्वाडोर को एक्सपोर्ट कर पाओगे। कोई भी देश को एक्सपोर्ट करने के लिए चार रास्ता है, बाय रोड, बाय रेलवेज, देन बाय एयर कार्गो एंड सी कार्गो। लेकिन जो एल साल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पर आपको रेलवेज में आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, रोडवेज में एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा सी कार्गो एंड एयर कार्गो। तो एयर कार्गो के लिए आपको एयरलाइंस बता दिया, ज़्यादा करके अमेरिकन एयरलाइंस को यूज करिए, नहीं तो आप एमिरेट्स एयरलाइंस, दुबई का भी अच्छा है एमिरेट्स एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस से एयर इंडिया भी ट्राई करिए। एयर इंडिया जो भारत का है, एयर इंडिया के साथ बहुत सारे उनका पार्टनर एयरलाइंस है अमेरिकन एयरलाइंस, तो आपका एयर इंडिया भी यूज कर सकते हो। या गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज इन इंडिया, तो आपको गूगल में बहुत सारे एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देगा। एयर कार्गो कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि क्या प्राइस आएगा इंडिया टू एल साल्वाडोर प्राइस एयर कार्गो के लिए, या कोई भी एयरलाइंस को, जितने सारे एयरलाइंस बता दिए, एयरलाइंस कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप शिपिंग कंपनी के लिए आपको बता दिया cogoport.com का सहारा लीजिए, सर्च करिए, उसमें बहुत सारे कंपनीज का आपको प्राइस मालूम पड़ जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम एल साल्वाडोर। हमेशा आपको बताता हूँ कि कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको बताता रहता हूँ कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए उस देश का, जिस देश को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस देश का बहुत सारे येलो पेजेस है और B2B ट्रेड पोर्टल्स है, न्यूज़पेपर्स वगैरह है, रेडियो है, टीवी है,
तो जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है एल सल्वाडोर का, मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये वेबसाइट्स को आप आपके कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। सो आपको मैं इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स दिखा दिया एल सल्वाडोर का। एल सल्वाडोर का जितने सारे इम्पोर्टेंट येलो पेजेस, क्लासिफाइड वेबसाइट्स एंड बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स दिखा दिया, उसमें जाइए। ज़्यादा तो साइट्स नहीं है, लेकिन जितने सारे हैं मैं आपको दिखा दिया, उसमें जाइए, उसमें रजिस्टर करिए आपका कंपनी को। इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन ट्रेडर या आप मैन्युफैक्चरर और कोई भी कंपनी हो, आप उसमें रजिस्टर करिए, करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज कंपनी को ऐड कर लीजिए। कॉन्टैक्ट अस पेज में आपका व्हाट्सएप, आपका ईमो या आपका टेलीग्राम कॉन्टैक्ट टेलीग्राम नंबर्स ऐड कर लीजिए। आपका वेबसाइट्स, आपका ईमेल आईडीज वगैरह ऐड कर लीजिए, ताकि एल सल्वाडोर या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री का इंपोर्टर्स अगर कोई भी साइट से सर्च करते हैं, तो अगर एल सल्वाडोर का साइट्स में भी आते हैं तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, उनको ऑनलाइन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया आपका, आपको, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका वेबसाइट को आप बड़ा बनाइए, amazon.in टाइप का बनाइए, और अनलिमिटेड पेजेस रखिए, अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज के रखिए, फ़ोटो के साथ रखिए, एंड आपका वेबसाइट में जितने सारे प्रोडक्ट्स है उसमें आप पेमेंट गेटवे ऐड कर लीजिए, ताकि ऑनलाइन में कोई भी इम्पोर्टर्स वर्ल्ड वाइड कोई भी प्रोडक्ट को, कुछ भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन में जाकर आपसे खरीद सकता है, पे करके ऑनलाइन में। और आपका वेबसाइट को ट्रांसलेशन के लिए अनलिमिटेड इंटरनेशनल वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज है उनका जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेटेड गूगल कर रखी है, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के कोई भी लोग अपने अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपका वेबसाइट को पढ़ सकते हैं, वेबसाइट का कंटेंट को पढ़ सकते हैं, और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मालूम पड़ता है। तो दो इम्पोर्टेंट है आपके वेबसाइट में, अनलिमिटेड प्रोडक्ट रखिए। एग्जाम्पल, आप मैंगो एक्सपोर्ट करते हो, मैंगो, तो टाइप्स ऑफ मैंगो का फोटो रखिए, टाइप्स ऑफ मैंगो का बारे में मैंगो रखिए, और उसका प्राइस रखिए, और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, और ब्लॉग्स रखिए। ब्लॉग्स में हमेशा लिखते रहिए टाइप्स ऑफ मैंगो, इंडिया में कब मैंगो ग्रो होता है, कहाँ का एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें ब्लॉग्स वगैरह लिखिए, ठीक है। तो आपको बता दिया, तो जितने सारे एल सल्वाडोर का जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, वेबसाइट में आप रजिस्टर करके आप प्रोडक्ट सर्विसेज का और आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। और एल सल्वाडोर का जितने सारे न्यूज़पेपर्स बता दिया, स्पेनिश लैंग्वेज में है, तो न्यूज़पेपर को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़िए, ताकि एल सल्वाडोर के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा, वहाँ का कल्चर, सोसाइटी, बिजनेस, इकोनॉमी के बारे में मालूम पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा बजट या ज़्यादा पैसा है, तो आप एल सल्वाडोर का जितने सारे स्पेनिश न्यूज़पेपर का होम पेज में एडवर्टाइजमेंट करिए, एज एन इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन ट्रेडर और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, आपका एडवर्टाइजमेंट जाएगा, तो वहाँ का स्पेनिश लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट होगा। एल सल्वाडोर का जितने सारे 65 लाख लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, इन न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन में, अगर उनको आपका लैंग्वेज, सॉरी, आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा ऑन देयर न्यूज़पेपर्स, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर वो आपका वेबसाइट में जाएंगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मालूम पड़ेगा, देन वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर दे विल बी इंटरेस्टेड। वैसा ही एल सल्वाडोर का न्यूज़पेपर के साथ साथ वहाँ का टीवी, रेडियो स्टेशन में एडवर्टाइजमेंट डालिए, अगर आप ज़्यादा आपके पास बजट है तो। ये जो एडवर्टाइजमेंट है स्पेनिश लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। तो आप हमारा कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, या आपका एडवर्टाइजमेंट इन एल सल्वाडोर और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट कर लीजिए इन इंडिया और एब्रॉड और इन एल सल्वाडोर। और गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड, एक गूगल एडवर्टाइजमेंट आता है और गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है, दो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है। तो इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपका एडवर्टाइजमेंट आप गूगल गूगल सर्च एंड गूगल एड के द्वारा आप एल सल्वाडोर में करिए, ताकि एल सल्वाडोर में जो लोग हैं गूगल में आते हैं, सर्च करते हैं द लिस्ट ऑफ देयर, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, अगर वहाँ का लोग, यहाँ वहाँ का मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, इम्पोर्टर्स सर्च करते हैं वहाँ का गूगल में कि वो राइस इंपोर्ट करना चाहते हैं, कपड़ा इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर सर्च करते हैं तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, उसके आपका कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये गूगल सर्च हो गया, गूगल ऐड होता है। और फेसबुक मार्केटिंग इंस्टेंट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करिए स्पेनिश लैंग्वेज में इन एल सल्वाडोर। तो वहाँ का लोग जो है, जो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उनको इंस्टेंटली आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल सर्च, गूगल एड एंड आपका ट्विटर है,
एंड आपका है लिंक्डइन है, बहुत सारे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग साइट्स है, सोशल मीडिया के द्वारा आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं इन एल साल्वाडोर। सो बहुत सारे तरीका बता दिया कि कैसे आपको एल साल्वाडोर से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मेरे पहले काफ़ी सारे वीडियोज हम बना चुके हैं कैसे आपको एब्रॉड से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, उसका जो लिंक्स मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो काफ़ी डिटेल्स में आपको बता दिया एल साल्वाडोर को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, और मैं काफ़ी डिटेल्स में बता दिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर और कोई जानकारी चाहिए मुझे आप लिख सकते हैं या मुझे कमेंट के जरिए लिख सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस वीडियो का अंत में आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ईमेल के द्वारा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके लिए मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव ट्रेड वीडियोस आपके लिए मैं काफ़ी सारे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव बिजनेस रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।